पठान मूवी तो रिलीज हो गई है और जिसने देख ली है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मूवी। एंड नो डाउट यह मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक और एक्शन मूव वाली मूवी होगी। जो भी आप लोगों का फीडबैक है मुझे लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जिसने ये मूवी नहीं देखी है तो मेगास्टार शकीब खान के फैन की क्यूरियोसिटी को एक्सटेंड करने के लिए थर्ड सॉन्ग दुष्टु कोकिल जो है हमसे शेयर किया गया है, यानी इसकी ऑफिशियल वीडियो हमसे शेयर की गई है। एंड डू यू रिमेम्बर हमने जब ट्रेलर देखा था उसमें एक इस सॉन्ग का शॉर्ट शेयर किया था। एंड जिसने मेरा ट्रेलर पर रिएक्शन नहीं देखा है आप लोग लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी यह है कि बस वीडियो करूँगी मैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी एक न्यू रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब लाइक का तो मैं बोलती हूँ, आप लोगों को पता है, एक न्यू रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। 10 मिनट्स के अंदर मेरी वीडियो ख़त्म हो ही जाती है। बाकी यह है कि वीडियो करूँगी मैं स्टार्ट एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और लाइक तो करते ही जाइए, क्योंकि मेगा स्टार शकीब खान का थर्ड सॉन्ग जो है वो हमसे शेयर किया है। तो जी बस वीडियो करना है स्टार्ट, 1 2 3 एंड ओह माय गॉड यार, अमेजिंग सॉन्ग यार, फैंटास्टिक। सबसे पहले मैं म्यूजिक कंपोजिशन की बात करूंगी। म्यूजिक जो टच कर रहा है वो ट्रेडिशनल बांग्लादेशी म्यूजिक है, उसके साथ जो है मॉडर्न बीट्स का टच है, तो यार एक ज़बरदस्ती म्यूजिक है। मतलब ओवरऑल म्यूजिक की मैं बात करूँ तो यार परफेक्टली परफेक्ट म्यूजिक लगा मुझे इस सॉन्ग का। एंड वोकल्स एंड लिरिक्स की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डीप जा रहे थे। सिंगर ने एक अमेजिंग सी डिलीवरी जो है वो इस सॉन्ग को दी है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है ना परफेक्टली परफेक्ट पड़ा है इस सॉन्ग पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस सॉन्ग का पार्ट है वो ये है कि शकीब खान एंड मीमी की जो केमिस्ट्री है ना वो इस सॉन्ग में ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीमली लेवल तक जो है वो स्ट्रॉन्ग लगी मुझे। लागे ओरा धोरा में भी थी बट इस सॉन्ग में मज़ीद मुझे इन लोग की केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग लगी। एंड इस सॉन्ग का जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन था ना वो ये था कि जो है वो एकदम से जो ये शूट करते हैं और जो डांसिंग बॉय होता है उसको ये किल कर देते हैं, और उसके बाद जो इनके डायलॉग्स होते हैं कि बजाओ, और जब ये मीमी के पास आते हैं कि नाचो, तो ये एक मतलब था यार कि मतलब शॉकिंग सीन भी था और एक लाइक ड्रावना सीन होता है ना कि ये क्या हुआ। इन शकीब खान ने एटमॉस्फेयर को वही रखा, बस जो इनको नहीं समझ आ रहा था उसको शूट कर दिया। अच्छा लगा ये सीन। ओवरऑल सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो यार ओवरऑल बहुत ज़्यादा कैची रहा, बहुत इंगेजिंग रहा, एंड सेट भी बहुत ज़्यादा आला था। लागे ओरा धोरा सेट जो था वो मतलब उसमें लाइटिंग ज़्यादा थी, बट ये सॉन्ग जो था वो पार्टी टाइप सॉन्ग था, रोमांटिक भी था। शकीब खान के जो डांस मूव थे ना, मतलब सॉन्ग का जो 110% जो आया है ना वो शकीब खान की डांसिंग के बाद आया यार। जब वो उठते हैं वो डांस करते हैं तो जब लगा कि यार अब सॉन्ग कंप्लीट हुआ है इनके डांस से, तो बहुत अच्छा शॉट था वो भी। ओवरऑल सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिरिक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्ट फील थे, कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, एंड डांस मूव एंड डांस सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे यार। मतलब ये सॉन्ग का एक्सपीरियंस लागे ओरा धोरा से मेरा कहीं ज़्यादा अच्छा रहा, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ नया देखते हैं तो वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। बाकी यह है कि आप लोग मुझे अपना ओपिनियन लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सॉन्ग दोनों ही आइटम सॉन्ग से, तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को लागे ओरा धोरा ज़्यादा अच्छा लगा या तो फिर ये वाला सॉन्ग सबसे अच्छा लगा, मुझे लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मूवी आ चुकी है, जिससे देख ली है मुझे लाजमी इसका कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक चाहिए। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेंड के साथ, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एंड मज़ीद मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोगों ने ट्रेलर एंड टीजर एंड लागे ओरा धोरा पर रिएक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हाफिज़, बाय बाय।